भाई NS200 तो गई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो देख सकते हो कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं R15M का है। देख सकते हो नया वाला मॉडल है, मतलब डिस्टर्ब वाला मॉडल जिसमें TFT आता है, जो नॉर्मल मीटर आता है वही वाली R15 है। तो आज इसके ड्रैग रेस करने जा रहे हैं नई वाली NS के साथ। तो आपको USD फोक देख के पता ही चल रहा होगा, बाकी मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। देख लो डिस्टर्ब नए वाले जो मॉडल आए अभी जस्ट लॉन्च हुआ इसी साल का, तो वो वाली अपनी NS आपके लिए लेके आए हम लोग। डिस्टर्ब मीटर है, आपको मीटर भी दिखा देता हूँ ऑन करके, आई होप आपको दिखेगा। तो नया वाला मीटर है ये, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। देखो प्राइस में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ये उससे कहीं ज़्यादा महंगी पड़ती है, 15-20 हज़ार महंगी रुपये पड़ती है। और अगर पावर की बात करूँ तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा पंच है, ज़्यादा पावर है, लेकिन वो टॉप एंड में आगे निकलती है। तो यही देखने वाली बात है कि टॉप एंड में कितना वो आगे रहने वाली है। बाकी तो आप लोगों को, आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो देखे ही होंगे NS और R15 के, तो हमने सोचा एक बार दोबारा बना देते हैं ताकि आपको पता चले कि नई वाली में क्या चेंजेस हुए। तो ये वीडियो होगा, मित्र को पसंद आएगा, वीडियो पसंद होगा लाइक करना। वीडियो के बीच में मिलते हैं। भाई NS200 तो गई बिल्कुल। चलिए देखते हैं लास्ट तक। इनिशियल में तो काफी अच्छा निकली NS200। भाग R15M। ओ भाई निकल गई अभी, समथिंग 100-150 मीटर का डिफरेंस है, पर मैं ट्राई करता हूं निकलने का। वन लग नहीं रहा भाई। नहीं भाई, NS200 काफी ज्यादा पावर में भाई, उसका पावर और टॉर्क काफ़ी ज़्यादा। और अभी मैं बाइक स्विच करता हूँ और अभी मैं चलाने वाला हूँ NS200। अभी मैं हूँ NS200 पे। लो भाई निकल गई, अब तो R15M पीछे ही रहेगी भाई। फोर्थ गियर में 100 के ऊपर जा रही भाई। अभी तो मैंने सिक्स्थ गियर लगाया नहीं है। 131। क्या भाई गजब, R15M काफी पीछे है, काफी ज्यादा पीछे है भाई वो। और ये बॉबल कर रही है 145 पे, पीछे का टायर बॉबल करने लगता है इसका। और भाई चांस तो नहीं है निकलने का कोई भी। और देखिए भाई अभी साथ में है और इसमें काफी ज्यादा पावर है NS200 में R15M, जैसा कि उसका टॉर्क और पावर BHP काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इससे। बस हमने सोचा कि एक ड्रैग करते हैं R15M और NS200 की। नई लॉन्च हुई भाई, USD फॉक्स है और काफ़ी स्मूथ इंजन है भाई उसका, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये निकलती है भाग जाती है, बॉबल मार रही है 145 के बाद। तो दोस्तों दोनों राउंड में NS200 न्यूली लॉन्च BS7 निकली हुई है और R15M तो इनिशियल में जैसे ही ये निकल जाती है उसके बाद ये आगे ही रहती है NS200। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ़।